दोस्तों, हाथी सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। एक नर अफ्रीकी हाथी का वजन 6 टन यानी 6000 किलो से भी अधिक हो सकता है। वहीं ये 12 फीट यानी एक मंजिल इमारत से भी अधिक ऊंचाई के हो जाते हैं। जंगल में जवान हाथी अन्य जीवों की तुलना में सबसे बेखौफ जीवन जीते हैं। इनसे भिड़ने की हिम्मत कोई जानवर नहीं कर पाता, क्योंकि हाथियों के पास सिर्फ ताकतवर शरीर ही नहीं बल्कि सूंड के रूप में शानदार हथियार भी होता है। हालांकि कम उम्र के हाथी उतने शक्तिशाली नहीं होते, कई बार ये शेरों का शिकार भी बन जाते हैं। लेकिन हाथी झुंड में रहने वाला जीव है। खतरे का आभास होते ही बड़े हाथी अपने बच्चों को झुंड के बीचों बीच लेकर एक सुरक्षित घेरा बना लेते हैं। कुल मिलाकर जंगल में किसी मांसाहारी जानवर द्वारा हाथी को शिकार बनाना बेहद ही दुर्लभ घटना होती है। किंतु ये भी सच है कि जंगली जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जंगल में कौन कौन से मांसाहारी जीवों में इतना दम है जो हाथी का भी शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ली परिवार के सबसे बड़े सदस्यों की। अफ्रीका में शेर और भारत में बाघ बड़ी बिल्लियों की सबसे बड़ी और घातक किस्में हैं। लेकिन ये दोनों ही जीव जब तक संभव हो किसी हाथी का सामना करने से बचते हैं। ये बड़ी बिल्लियां भली भांति जानती हैं कि हाथी से उलझने पर उन्हें अपनी बेइज्जती करवाकर ही वापस लौटना पड़ेगा। एक हाथी का पैर यदि किसी भी बाघ या शेर पर रख दिया जाए तो उस बाघ या शेर के निर्जीव शरीर को फावड़े की मदद से खुरचने की नौबत आ जाएगी। साथ ही हाथी अपने सूंड से 500 किलो भारी वजन को उठाकर फेंक सकता है। एक 200 किलो का शेर यदि हाथी की सूंड के पकड़ में आ जाए तो हाथी किसी कंकर के ही समान शेर को पेड़ के तने पर फेंककर मार डालेगा। वहीं अधिकतर हाथियों के पास बेहद मजबूत एवं बड़े दांत भी होते हैं। इन दांतों पर दो रस्सियां बांधकर यदि एक रस्सी पर शेर और दूजी पर बाघ को भी झुलाया जाए तो भी हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये दांत सिर्फ दिखाने के लिए ही नहीं होते, हाथी अपने विरोधी के शरीर में इन दांतों को घुसाने का प्रयास जरूर करता है। भले ही ये दांत अधिक नुकीले ना हो, किंतु अपनी ताकत के दम पर हाथी अपने दांतों को गैंडे जैसे जीव की मोटी चमड़ी में भी घुसा देते हैं। किसी मांसाहारी जीव द्वारा हाथी की कठोर त्वचा को चबाना बेहद मुश्किल कार्य है। अनेकों बार जंगलों में देखा गया है कि किसी हाथी के बच्चे को शेर पकड़ लेते हैं, लेकिन उसकी कठोर त्वचा में अपने दांत ना घुसा पाने के कारण शेर को अंततः हाथी के बच्चे को छोड़ना ही पड़ता है। वर्ष 2011 के दौरान भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक अकेले बाघ द्वारा 20 साल की हथनी को मार डालने का मामला सामने आया था। वहीं 2017 में केरला से भी एक बाघ द्वारा हाथी को मारने की घटना घटित होने का दावा किया गया था। किंतु जब जानकारों ने उक्त घटनाओं की जांच पड़ताल की तो पाया कि ये दोनों ही घटना चिकने पथरीले इलाकों के आसपास हुई थी। यानी बाघ से उलझते समय हाथी का पैर इन्हीं चिकने पत्थरों पर फिसल गया होगा, जिस वजह से हाथी गिर गया। वास्तव में चाहे कोई भी जीव कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, गला सबका सूखता है, प्यास सभी को लगती है और यदि स्प्राइट न पी जाए तो डर भी सभी को लगता है। हाथी भी बाघ को सामने देखकर घबरा सकता है और घबराने के बाद तेजी से हरकत करते वक्त उसके शरीर का संतुलन खराब हो सकता है। हाथी जैसा भारी भरकम जीव यदि गिर जाए तो निश्चित तौर पर उसे काफी चोटें लगेंगी। हाथी के भारी वजन के कारण उसकी टांगों की हड्डियां और पसलियां तक टूट सकती हैं। यानी बाघ का सामना करते वक्त यदि हाथी गिर जाए तो हाथी खुद के वजन के नीचे दबकर ही मारा जाएगा और बाघ मुफ्त में शक्तिमान बन जाएगा। दोस्तों, बाघ के मुकाबले शेर को हाथी का शिकार करने में कामयाबी मिलने की ज्यादा संभावना हो सकती है, क्योंकि शेर बाघों की तरह अकेले नहीं बल्कि समूह बनाकर रहते हैं। शेरों के समूह को प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में शेरों की संख्या 40 तक हो सकती है। इतने सारे शेर मिलकर यदि अकेले हाथी पर हमला करेंगे तो निश्चित तौर पर हाथी को यमलोक पहुंचा देंगे। किंतु हाथी जैसे बड़े जीव के खिलाफ एकजुट होने में शेरों की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। वैसे भी देखा जाए तो शेर बेहद ही सुस्त जानवर होता है, जो हमेशा पेड़ों की छाया में पड़ा सुस्ताता रहता है। शिकार की बागडोर तो शेरनियों के जिम्मे होती है। शेरनियां शेर की तुलना में करीब 50% हल्की होती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शेर कभी शिकार में मदद नहीं करते। जब शेरों को लगता है कि शिकार का सामना करने में शेरनियां कमजोर पड़ रही है तो शेर भी मदद करने आगे आ जाते हैं। एक अंदाजे के अनुसार किसी जवान हाथी को मारने के लिए कम से कम 7 शेरों की आवश्यकता पड़ेगी। किंतु जंगल में शेरों द्वारा
कभी किसी पूर्ण वयस्क हाथी को मारते हुए नहीं देखा गया है। शेर भली भांति जानते हैं कि हाथी अपने ताकतवर सूंड से किसी पेड़ को भी उखाड़ सकता है। शेर बड़े हाथियों पर हमला करने की बजाय छोटे हाथियों या जख्मी हाथियों को ही अपना निशाना बनाना पसंद करते हैं, वो भी केवल तब जब हाथी का बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया हो और अकेला हो। शेर सबसे पहले हाथी के बच्चे को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वो छोटे हाथी पर पीछे से हमला करते हैं, जिस वजह से नन्ना हाथी अपने शरीर को घुमाकर अपने सूंड द्वारा शेरों को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन हाथी अपनी पीठ तक अपना सूंड पहुंचाने में सफल नहीं हो पाता। क्योंकि हाथी भारी जानवर है, इसलिए लगातार घूमते रहने की थकावट की वजह से या संतुलन खराब होने की वजह से हाथी नीचे गिर जाता है। एक बार हाथी के नीचे गिरने के बाद शेर उसकी पेट और गर्दन पर हमला करते हैं। भले ही हाथी की त्वचा कठोर हो, किंतु पेट और गर्दन वाला हिस्सा अपेक्षाकृत कम कठोर होता है। वर्ष 2016 में बोट्सवाना चोब नेशनल पार्क में एक अकेले शेर द्वारा 6 साल के हाथी को मार डालने का मामला सामने आया था। 6 साल के हाथी का वजन अमूमन 2000 किलो तक हो जाता है। एक अकेले शेर द्वारा 2000 किलो भारी जानवर को मार डालना वाकई बेहद अनूठी और हैरान कर देने वाली घटना है। दोस्तों, शेरों के बाद जंगल का सबसे घातक शिकारी लकड़भग्गा होता है। चूंकि लकड़भग्गे बड़े झुंड बनाकर रहते हैं, इसलिए इन्हें बड़ी आसानी से तेंदुओं, चीतों, यहाँ तक कि शेरों को भी खदेड़ते हुए देखा जा सकता है। एक साधारण झुंड में लकड़भग्गों की संख्या अमूमन 40 से 80 तक होती है। वैसे तो ये जीव पहले से ही मरे हुए जानवरों को खाना पसंद करता है, किंतु जब कोई मरा हुआ जीव उपलब्ध ना हो तो लकड़भग्गे शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते। इन्हें अनेकों बार भैंसों जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते हुए भी देखा जा सकता है। हालांकि एक अकेले लकड़भग्गे को एक छोटा हाथी भी चींटी के समान कुचल सकता है, किंतु संख्या में अधिक होने के कारण इन्हें अनेकों बार छोटे हाथियों से भिड़ते और उन्हें मारते हुए भी देखा गया है। लकड़भग्गों का जबड़ा शेरों से भी अधिक मजबूत होता है। ये इतने हिंसक होते हैं कि अपने शिकार के मरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। यदि हम पानी में रहने वाले जीवों को भी शामिल करें तो मगरमच्छ भी हाथी को मार सकते हैं। अमूमन 2 मगर एक हाथी को मारने के लिए पर्याप्त होंगे। मगरमच्छों की काटने की शक्ति शेर की तुलना में 4 गुना अधिक होती है। साथ ही पानी में लड़ने के मामले में ये बेहद कुशल होते हैं। यदि इनका सामना करते हुए हाथी पानी में गिर गया तो हाथी का काम तमाम ही समझो। वहीं यदि हम जहरीले जीवों को भी सूची में शामिल करते हैं तो भारत सहित कई अन्य देशों में भी हाथियों के रहने के स्थान पर किंग कोबरा नामक सांप पाया जाता है। एक किंग कोबरा अकेला ही किसी बड़े हाथी को मारने की काबिलियत रखता है। किंग कोबरा जहरीले सांपों में धरती का सबसे बड़ा सांप है। हालांकि इसका जहर साधारण कोबरा की तुलना में कम प्रभावी होता है, किंतु एक साधारण कोबरा जहां सिर्फ कुछ बूंदे जहर ही उगल पाता है, वहीं किंग कोबरा एक बार की बाइट में करीब 2 बड़े चम्मच जहर अपने शिकार के शरीर में छोड़ देता है। इतनी मात्रा में छोड़ा गया जहर एक हाथी के लिए भी झेलना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, भले ही कभी कभार किसी अन्य जंगली जानवर द्वारा हाथी को मार डालने की घटना हो जाती हो, किंतु निश्चित तौर पर हाथी जंगल का सबसे मदमस्त और रोबदार जीव है। और हाथी के बारे में कही गई ये कहावत सही मायने में हाथी के चरित्र को दर्शाती है कि हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके लाख हजार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।